आई होप ऑल आर यू फाइन। माई सेल्फ मुकेश गंगवार, योर फिजिक्स टीचर फ्रॉम ब्रह्मदत्त सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर। डियर स्टूडेंट, दिस वीडियो फॉर द क्लास 12th सब्जेक्ट फिजिक्स, चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और पार्ट इसका है पार्ट ए, फिफ्थ वीडियो होगी इस चैप्टर की, पार्ट फिफ्थ। डियर स्टूडेंट, वी आर डिस्कस अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इन प्रीवियस वीडियो, एंड ई इज इक्वल टू 1/4πε0k इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। एंड टुडे इन दिस वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल। वी कैन से दैट ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए सेपरेटेड बाई ए शॉर्ट डिस्टेंस, शॉर्ट और स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। डियर स्टूडेंट, अंडरस्टैंड, ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए शॉर्ट और स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। दो इक्वल और अपोजिट चार्ज एक दूसरे से शॉर्ट डिस्टेंस पर ये स्टेबल होते हैं तो हम इसे इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज सेपरेटेड द शॉर्ट डिस्टेंस 12 इसको इसलिए लिया है क्योंकि कई जगह हमें इसे आधा आधा करना होगा, तो L इधर हो जाएगा और L इधर हो जाएगा, इसलिए हम इसे 12 कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड, टू इक्वल एंड अपोजिट, ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाई ए शॉर्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, नेचर मॉलिक्यूल ऑफ H2O, HCl, NH3, NH3, NaCl, etc. आर इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये जितने सारे इस तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये सब इलेक्ट्रिक डाइपोल को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल H2O, HCl, बात करते हैं HCl की, या H और O और O, आप देखते हैं इस तरह, यहाँ से आपको अच्छा समझ में आएगा। HCl इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो H+ ऑफ Cl- इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हो गए सेपरेटेड बाय द शॉर्ट डिस्टेंस,
दिस एन ए सी एल इज इक्वल टू एन ए प्लस प्लस ऑफ सी एल माइनस इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाई द सोर्स डिस्टेंस दिस इज नोन एज द इलेक्ट्रिक डाइपोल। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपने देखा दिस इज ए इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज एट ए शॉर्ट डिस्टेंस 2L। तो इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं? द प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज, द प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज ऑफ ए डाइपोल एंड डिस्टेंस बिटवीन एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस देयर चार्जेस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इट इज नोटेड बाई डिनोटेड बाई पी, इसे पी से शो करते हैं, स्मॉल पी भी लिख सकते हैं, कैपिटल पी लिख सकते हैं। लेट ए डाइपोल द प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज, किसी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक चार्ज और उनके बीच के डिस्टेंस की प्रोडक्ट को मल्टीप्लीकेशन को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं, इसे पी से शो करते हैं, इसे पी से शो करते हैं। लेट ए इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट ए शॉर्ट डिस्टेंस ट्वेल्व देन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू कोई एक चार्ज ले लो विदाउट साइन क्यू और इन टू इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? P इज इक्वल टू 2QL। It is a vector quantity. Whose direction is along to from negative charge to the positive charge. Understand students कि it is a vector quantity. तो क्या कहते हैं, किसी एक चार्ज, कोई भी चार्ज ले लो, चाहे ये वाला क्यू ले लें, चाहे ये क्यू ले लें, विदाउट साइन,
और इनके बीच की डिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। P इज इक्वल टू 2QL। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट हो जाएगी, 2 की तो कोई यूनिट होगी नहीं, इसकी होगी कूलाम और इनटू मीटर, कूलाम मीटर। डायमेंशन क्या हो जाएगी इसकी, डायमेंशन कूलाम की होती है 80 और मीटर की होती है L डिस्टेंस की, तो ये हो जाएगा LTA। दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। रिमेंबर ऑलवेज। देन नेक्स्ट टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए डाइपोल, ऑन द एक्सिस ऑफ ए डाइपोल। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये फॉर द एग्जामिनेशन। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट एक्सिस ऑफ डाइपोल। किसी डाइपोल की एक्सिस में किसी पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, लेट ए डाइपोल ए बी, इसका नाम दे दो ए बी, और प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज प्लेस्ड एट ए शॉर्ट डिस्टेंस टू एल। डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, एक्सिस ऑफ डाइपोल एट ए डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल O। ए पॉइंट, इसको हम 2L ऊपर लिख सकते हैं, पूरी डिस्टेंस है ये। तो L इधर हो गई और ये पॉइंट O, L डिस्टेंस यहाँ से इधर हो गई। बात करते हैं, कहने का मतलब ये है, लेट ए डाइपोल ए बी ऑफ प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज एट ए शॉर्ट डिस्टेंस टू L, डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट O ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल एट अ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल O। क्या करते हैं स्टूडेंट्स, P पर इंटेंसिटी देखेंगे ड्यू टू द प्लस क्यू चार्ज, तो दिस प्लस एंड दिस प्लस की डायरेक्शन होगी आउटसाइड, ये हो जाएगी E1। माइनस क्यू एंड प्लस क्यू डायरेक्शन अट्रैक्शन होगा, तो डायरेक्शन होगी इधर, ये हो जाएगी E2। ओके, तो यहाँ से हमारी E2, E1 इधर, E2 इधर, इनसाइड में E2 और आउटसाइड में E1। हम डिस्टेंस निकालेंगे कितनी, ए पी कितनी होगी, ए पी होगी ओ पी माइनस ओ ए, ओ ए इट मीन्स ओ पी है आर माइनस एल। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज से पॉइंट पी की डिस्टेंस हो जाएगी बी पी हो जाएगी ओ पी प्लस ओ बी, यानी R प्लस L। ओके स्टूडेंट्स, देन निकालेंगे, अब हम फाइंड करेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P
पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज के ड्यू कितनी इंटेंसिटी होगी। फार्मूला हमारे पास ये है, तो ई वन इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के इंटू क्यू अपॉन आर। आर क्या होती है? डिस्टेंस। डिस्टेंस प्लस क्यू से बी की, पी की डिस्टेंस से ए पी, देन ऑफ ए पी होल स्क्वायर। ई वन इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के इंटू क्यू अपॉन द वैल्यू ऑफ ए पी आर माइनस एल, आर माइनस एल होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर वन। देन सिमिलरली इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज के अकॉर्डिंग कितनी होगी? फिर सेम ई टू इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस माइनस क्यू से पी की डिस्टेंस बी पी, वी पी स्क्वायर। देन ई टू इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के इंटू क्यू अपॉन द वैल्यू ऑफ बी पी आर प्लस एल, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर टू। देन द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक, रिजल्टेंट, देन रिजल्टेंट इंटेंसिटी, इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी। रिजल्टेंट देखेंगे दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट हैं, और जो ज़्यादा वाली है उस वाली में कम वाली को घटा दो। देखिए लेस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, देन ई इज इक्वल टू ई वन माइनस ई टू। द वैल्यू ऑफ ई वन वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के इंटू क्यू अपॉन आर माइनस एल होल स्क्वायर, माइनस ऑफ वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के इंटू क्यू अपॉन आर प्लस एल होल स्क्वायर। कुछ चीज़ कॉमन ले लो, वैल्यू ऑफ ई वन देन द वैल्यू ऑफ ई टू, कॉमन क्या आ जाएगा हमारा, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के कॉमन ले लो और क्यू भी कॉमन ले लेते हैं, इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के इंटू वन अपॉन आर माइनस एल स्क्वायर माइनस ऑफ वन अपॉन आर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देन इधर आ जाइएगा, एलसीएम टेक कर लेंगे, ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के इंटू एलसीएम हो जाएगा इसका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर ऑफ द आर स्क्वायर माइनस ऑफ एल स्क्वायर। देन द टर्म ऑफ आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस ऑफ आर माइनस ऑफ एल होल स्क्वायर। इसको ब्रेक कर दीजिएगा, क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के सेम टर्म वैसी रहेगी आर स्क्वायर माइनस ऑफ एल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन क्लोज ब्रेक करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस ऑफ एल स्क्वायर प्लस ऑफ टू आर एल। माइनस टर्म है, माइनस के ड्यू सारी चार्ज चेंजेस हो जाएंगे अंदर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस टू आर एल, टर्म कट जाएगा ये तो बचेगा। रिमेन्स स्टूडेंट्स वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के इंटू टू आर एल एंड टू आर एल, ये हो जाएगा फोर आर एल, फोर आर एल, तो फोर आर एल अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर ऑफ द आर स्क्वायर माइनस ऑफ एल स्क्वायर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी कैन से राइट, बी कैन राइट वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के इंटू टू इंटू टू क्यू टू आर, इधर लिख दो इंटू टू क्यू एल अपॉन होल स्क्वायर ऑफ आर स्क्वायर माइनस ऑफ एल स्क्वायर। स्टूडेंट ई क्या हो गया,
फोर क्यू आर एल, तो ये भी तो ये हो रहा है फोर क्यू आर एल। देन टू आर वैसे ही रहा, और वी नो डैट आप जानते हो टू क्यू एल अभी जस्ट प्रीवियस स्टडी किया था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी। देन ई इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के इंटू टू आर इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, शो एल इज नेग्लेक्टेड। एल को नेग्लेक्टेड कर देते हैं, और एल को नेग्लेक्टेड करने पर हम एल को हटा देंगे तो हमारे पास टर्म मिलेगी ई इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू के इंटू टू आर इंटू पी अपॉन आर को लैप्स कर देंगे तो आर रेज टू द पावर फोर, ये कट जाएगा तो हमारे पास ये टर्म मिलेगी बेटा ई इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के इंटू टू पी अपॉन आर क्यू, टू पी अपॉन आर क्यू। दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल।